नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो आज इस क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो मेंडल साहब थे उन्होंने पाइसम सटाइवम के प्लांट से क्या किया था, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया था। क्या बनाया था? एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया था। और उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या कैरेक्टर या क्या ट्रेट लिया था? प्लांट की हाइट ली थी, उन्होंने प्योर लाइंस लिए किसके, एक टॉल प्लांट के और एक डॉर्फ प्लांट के। उनको उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने क्रॉस करवाया, उनकी उन्होंने सेल्फिंग करवाई, उनकी उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और प्रोजेनी ली। प्रोजेनी उनको क्या मिली, उनको एक हेटरोजाइगस डोमिनेंट प्रोजेनी मिली, जिसमें उनको सारे प्रोजेनी कैसे मिले, टॉल मिले। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने वापस से दोबारा उसकी क्या करवाई, F1 की सेल्फिंग करवाई और उन्होंने प्रोजेनी बनाई। क्या बनी प्रोजेनी, उनमें से 3 टॉल थी और एक क्या थी, एक डॉर्फ थी। अब मेंडल ने ये सोचा कि मैं कैसे पता करूं कि जो टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है या वो हेटरोजाइगस टॉल है। सोचने की तो बात है, तो आज इसी का आंसर हम क्लास में देखने वाले हैं। तो मेंडल ने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर मुझे ये पता करना है कि एक प्लांट टॉल है, प्लांट तो टॉल है लेकिन वो क्या टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर वो हेटरोजाइगस डोमिनेंट है। क्या है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब कि कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को किससे क्रॉस करवाया, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया, एक प्योर रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, एक कॉमन रेसेसिव पेरेंट लिया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उन्होंने क्या किया, इनको इन्होंने क्रॉस करवाया, किससे क्रॉस करवाया, ये हमने क्या बना लिया, एक पुनेट स्क्वायर बना लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरफ तो क्या रख दिया, रेसेसिव पेरेंट, और दूसरी तरफ जो हमारे क्या है, एक तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट आ जाएगा तो इस तरफ हम क्या रख देंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, एंड दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, रेसेसिव पेरेंट के साथ में, रेसेसिव पेरेंट के साथ में हम रखेंगे हेटरोजाइगस डोमिनेंट। क्या रखेंगे, हेटरोजाइगस डोमिनेंट। आई बात समझ में, करें क्रॉस। चलो, तो यहां पर जो अभी प्रोजेनी बनने वाली है वो क्या बनेगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये फिर से क्या बनेगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जीन फिर ये अलील फिर इस अलील से क्रॉस करेगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे सेम बने, सारे क्या बने, सारे बने कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सारे फीनोटिपिकली कैसे हैं, टॉल हैं। सब में क्या है, डोमिनेंट अलील है, तो क्या पाइसम सटाइवम में कभी भी ब्लेंडिंग ऑफ अलील्स होती है, नहीं होती है। डोमिनेंट अलील मेंडेलियन जेनेटिक्स में हर कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, मतलब सारे प्लांट्स क्या होंगे, ये भी टॉल होएगा, टॉल टॉल एंड टॉल, सो ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल। आइए बात करते हैं जब हमने किसको क्रॉस किया, हेटरोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस किया हमारे रिसेसिव से। आइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहां क्या बनेगा, स्मॉल टी, क्या बनेगा, स्मॉल टी, और दूसरा प्रोजेनी क्या बनेगा, स्मॉल टी, मतलब कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे इनका फीनोटिपिक देखें, फीनोटाइप देखें, तो ये तो डोमिनेंट अलील है, कैसा बनेगा, टॉल, ये डोमिनेंट अलील है, कैसा बनेगा, टॉल,
ये क्या है? रिसेसिव है. कैसा बनेगा? ड्वार्फ. कैसा बनेगा? ड्वार्फ बनेगा. और ये कैसा बनेगा? ड्वार्फ बनेगा. कैसा बनेगा? ड्वार्फ बनेगा. तो यहां पर हमारे पास में ड्वार्फ भी एक्सप्रेस हुआ है, ड्वार्फ अलील भी एक्सप्रेस हुआ है, मतलब रेसेसिव अलील भी एक्सप्रेस हुआ है. मतलब कि जो हमारा पेरेंट है वो कैसा था? हेटेरोजाइगस था. कैसा था? हेटेरोजाइगस था. अगर वो होमोजाइगस होगा तो सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? टॉल होंगे. सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? टॉल होंगे. तो अगर हमारे को जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन पता करना है तो हमें क्या करना होगा? उस पेरेंट को या उस इंडिविजुअल को किससे क्रॉस करना होगा? रेसेसिव इंडिविजुअल से, होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस करना होगा. इस क्रॉस को हमने क्या बोला है? इस क्रॉस को हमने बोला है हमारा टेस्ट क्रॉस. क्या बोला है हमने इसको? बोला है टेस्ट क्रॉस. ठीक है, बात आई समझ में? तो टेस्ट क्रॉस करके मेंडल ने पता लगाया कि जो उनके पास टॉल है वो कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है. इतनी बात समझ आई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ हमारे पास में? जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस पढ़ते हैं. तो इनहेरिटेंस पढ़ने के साथ साथ में जब मेंडल ने इनहेरिटेंस पढ़ा था, उन्होंने तीन लॉज दिए थे. क्या दिए थे? तीन लॉज दिए थे. और उनको उन्होंने बोला था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. क्या बोला था? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला था. क्या बोला था? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला था. इस लॉ के अंडर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? तीन बातें एक्सप्लेन करी. तीन लॉज उन्होंने एक्सप्लेन किए. जो फर्स्ट लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्या था? दैट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस. दैट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हर प्रोजेनी में F1 में एक्सप्रेस होगा. क्या होगा? हर कंडीशन में जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है. क्या है? डोमिनेंट ट्रेट. अभी मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो हमने किए हैं उसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था? उसमें डोमिनेंट ट्रेट था कैपिटल टी. तो कैपिटल टी क्या हुआ था? सारी F1 जेनरेशन में एक्सप्रेस हुआ था. इसी वजह से सारी F1 की प्रोजेनी कैसे थी? टॉल थी. कैसे थी? टॉल थी. उन्होंने कहा कि अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो वो सारी कंडीशंस में क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा. सारी कंडीशंस में क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा. इतनी बात समझ आ गई. ठीक है. एंड जो हमारा F2 का फीनोटिपिक रेशियो था, कौन सा रेशियो था? फीनोटिपिक रेशियो था, दैट इज 3:1. वो भी हमें किससे समझ आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझ आता है. इतनी बात आई समझ में. चलिए दूसरा लॉ हमारे मेंडल ने क्या दिया था? दूसरा लॉ उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्या देखा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था. ठीक है. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना. क्या होता है? अलग अलग होना. जब हमने क्या देखा? जब हमने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट देखा. क्या देखा? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट देखा. कैसा प्लांट था ये? 2N प्लांट था. कैसा प्लांट था ये? डिप्लॉइड प्लांट था. ठीक है. गमीट्स इसके कैसे बने? जो गमीट्स बने वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे. कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे. हैप्लॉइड जब गमीट्स बने तो एक गमीट कैसे बना? सिर्फ कैपिटल टी बना.
और एक गमीट कैसे बना? सिर्फ स्मॉल टी बना। तो ये क्या हुए? अपने अपने हिसाब से अलग हो गए। हुए कि नहीं हुए? जब हमारे पास यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ थे, ये क्या एक्सप्रेस हुआ? क्या एक्सप्रेस हुआ? इसकी हाइट भी कैपिटल टी के बराबर थी, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि यहाँ पर किसी भी तरीके की क्या नहीं हो रही है? ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। देर इज नो ब्लेंडिंग। कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज, जब हमारा होमोजाइगस पेरेंट था, उसने भी दो गमीट्स बनाए, लेकिन दोनों गमीट्स कैसे थे? सिमिलर थे, सेम गमीट्स बने थे, राइट? दोनों क्या थे? कैपिटल टी था। लेकिन जब हमारे पास में हेटेरोजाइगस पेरेंट था, तब हमारे पास में दो अलग गमीट बने, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या है? दिस इज आवर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ जो हमारे पास दिया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था तीसरा लॉ? जो था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जब दो कैरेक्टर के जीन्स एक साथ इनहेरिट करे जा रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। आइए, तो हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए मेंडल ने, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। अब जो हमने यहां पर पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? मेंडेलियन जेनेटिक्स का इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन पढ़ा है। तो उसमें कौन से दो लॉज अप्लाई होते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात करें, चलिए, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है हमारी, कि जब भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल करे जाते हैं एक डिस्क्रीट फैक्टर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। और जिसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। फैक्टर्स कैसे अकर करते हैं? मोस्टली पेयर्स में अकर करते हैं। डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में एक मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट करता है दूसरे को, दैट इज अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है, तो इसमें जो कैपिटल टी है वो किसको डोमिनेट करेगा? स्मॉल टी को डोमिनेट करेगा। इसलिए जो कैपिटल टी है वो कैसा है? डोमिनेंट अलील है, और जो स्मॉल टी है वो एक रेसेसिव अलील है, जो कि हमारे डोमिनेंट अलील से क्या हो रहा है? सप्रेस हो रहा है। जो हमारा यहाँ पर F1 जेनरेशन में एक्सप्रेशन हुआ था, सारे के सारे प्रोजेनी हमारे क्या हो गए थे? टॉल आए थे। ये भी एक्सप्रेस करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे टेस्ट क्रॉस किया था। अगर हमारा पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है तो सारे टॉल ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो सारे क्या आएंगे? हमारे टॉल नहीं आएंगे, हाफ, कुछ प्रोपोर्शन टॉल होगा और कुछ प्रोपोर्शन हमारा ड्वार्फ होगा। दोनों कैरेक्टर्स, दोनों अलील्स एक्सप्रेस होंगे। इतनी बात समझ आए। और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है? 3:1 रेशियो भी एक्सप्लेन करता है। किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। आई बात समझ में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था मेंडल का? अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, जहां पर हमने ये बात करी कि जो अलील्स हैं वो एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग शो नहीं करते, एंड बोथ द कैरेक्टर्स, दोनों, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, दोनों रिकवर होते हैं F2 के अंदर।
फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं ताकि गमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर आए। कैपिटल टी स्मॉल टी दो गमीट्स बनाते थे, एक कैपिटल टी का गमीट और एक स्मॉल टी का गमीट, राइट। होमोजाइगस पेरेंट सारे गमीट्स एक जैसे बनाता था, होमोजाइगस पेरेंट के सारे गमीट एक जैसे बनते थे। कैपिटल टी के क्या बनेगा, एक दोनों गमीट कैपिटल टी के बनेंगे। लेकिन यही अगर हमारा हेटरोजाइगस पेरेंट है तो हमारे पास में एक गमीट कैपिटल टी का बनेगा, डोमिनेंट अलील का बनेगा, और एक गमीट हमारा रेसेसिव अलील का बनेगा। इतनी बात समझ आई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आया। अब ये सारे लॉस पढ़ने के साथ में जब मेंडल ने दूसरे प्लांट्स में दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करे तो उनको क्या नहीं मिला, ये रिजल्ट्स नहीं मिले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम था स्नैप ड्रैगन। जिसका क्या नाम था, स्नैप ड्रैगन नाम था। क्या नाम था, स्नैप ड्रैगन नाम था। और इसको हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉग फ्लावर। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्लांट के क्या उठाए, दोनों प्योर लाइंस उठाए, एक प्योरली डोमिनेंट और एक प्योरली रेसेसिव। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब उन्होंने क्या लिया, एक पेरेंट लिया जिसके ऊपर क्या थे, रेड कलर के फ्लावर्स थे। एक पेरेंट लिया उन्होंने जिसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर थे, ये डोमिनेंट था। और एक पेरेंट उन्होंने लिया जिसके ऊपर क्या थे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे। कैसे फ्लावर्स थे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे। ये दोनों क्या थे, ये दोनों हमारे पेरेंट्स थे। ये दोनों क्या थे, हमारे पेरेंट्स थे। ठीक है, अब इनके क्या बनेंगे, गमीट्स बनेंगे। इनके क्या बनेंगे, गमीट्स बनेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से होमोजाइगस पेरेंट के दोनों गमीट्स कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे, राइट। एंड यहां पर भी क्या होंगे, दोनों गमीट्स यहां पर भी क्या होंगे, दोनों गमीट्स हमारे सेम बनेंगे। दोनों गमीट्स हमारे कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या होगा, हमें क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बना ले, एक क्या बना लेते हैं, पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। सही है, पुनेट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, ऊपर की तरफ हम क्या डाल देंगे, ये वाला पेरेंट डाल देंगे, राइट, होमोजाइगस डोमिनेंट, और साइड में क्या डाल देते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव डाल देते हैं। ठीक है, इनके क्या बना ले, प्रोजेनी बना ले, आर और आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर कैसा पेरेंट बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। कैसे आए सारे, सेम आए। क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर दिखा हमारे को कि हमारे सारे प्रोजेनी कैसे बने। लेकिन मेंडल ने देखा कि ये वाला प्लांट का फिनोटाइप कैसा था, रेड फ्लावर्स का था। ये वाला प्लांट का फिनोटाइप कैसा था, व्हाइट फ्लावर्स का था। लेकिन जो हमारे पास ये सारी F1 प्रोजेनी आई है, कैसी आनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको, कैसी आनी चाहिए, रेड आएगी, लग तो ऐसा ही रहा है कि रेड आएगी, पर रेड नहीं आई। यहां पर क्या आया, सारी प्रोजेनी हमारी कैसे आई, सारी प्रोजेनी हमारी पिंक आई। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर ने क्या फिनोटाइप दिया, पिंक फिनोटाइप दिया। तो इसको देखकर मेंडल को समझ आया कि जो उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था वो तो यहां पर फॉलो ही नहीं हुआ। वो इस कंडीशन में एंटीराइनम के प्लांट में, स्नैपड्रैगन के प्लांट में एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। बल्कि यहां पर जो फिनोटाइप आया वो कैसा आया, रेड और वाइट के बीच का फिनोटाइप आया। जो यहां पर प्रोजेनी बनी है, जो F1 जनरेशन है, वो ना तो इस पेरेंट से मिलती है ना वो
रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से मिलती है. सो द प्रोजेनी क्या है, इट इज नॉट सिमिलर टू एनी ऑफ द पेरेंट, इट इज नॉट सिमिलर टू एनी ऑफ द पेरेंट. इतनी बात समझ आई. तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इस प्रोजेनी में हम क्या बनाएंगे, इस प्रोजेनी के साथ में F1 के साथ में हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे. क्या करा उन्होंने, फिर F1 को उन्होंने सेल्फिंग करवाया. क्या करवाया, F1 को उन्होंने सेल्फिंग करवाया. एक फीमेल पेरेंट लिया, एक मेल पेरेंट लिया, और इन्होंने इनके बीच में क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई. ठीक है, गमीट्स बना ले. एक बनेगा कैपिटल R, हेटरोजाइगस है तो कैसे आएगा, ऐसे, राइट. और इसका क्या बना, कैपिटल R, स्मॉल R. ठीक है, वापस से यहाँ क्या बना ले, एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. ठीक है, राइट. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लेंगे ये वाले गमीट्स, ठीक है, और इस तरफ हम ले लेंगे ये वाले गमीट्स, राइट. चलिए बनाए प्रोजेनी. यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल R, कैपिटल R. यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल R, स्मॉल R. यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल R, स्मॉल R. एंड यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल R, स्मॉल R. क्या हुआ, वन आया इनका होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरे आए इनके हेटरोजाइगस. क्या आया, हेटरोजाइगस आया. एंड चौथा प्रोजेनी कैसा आया, होमोजाइगस रिसेसिव. कैसे कैसे बने ये देख लेते हैं. ये वाला जो प्रोजेनी था ये कैसा था, रेड था. जो कैपिटल R स्मॉल R था ये कैसा था, पिंक था. एंड जो होमोजाइगस रिसेसिव था उसमें फ्लावर्स कैसे आए, व्हाइट आए. कैसे आए, व्हाइट आए. क्या रेशियो मिल रहा है हमारे को यहाँ पे, ये रेड, ये दोनों पिंक, ये दोनों पिंक, एंड ये क्या होएगा, व्हाइट. कैसे आया, वन इज टू, टू इज टू वन, यही फॉलो हुआ. लेकिन लेकिन मेंडल ने यहाँ पर क्या बोला कि जब हम F1 को देखते हैं तो F1 में क्या आना चाहिए था, F1 की जो प्रोजेनी होनी चाहिए थी वो कैसी थी, वो रिजेंबल नहीं करती थी अपने पेरेंट से, वो रिजेंबल नहीं करती थी पेरेंट से, बल्कि उसका फिनोटाइप कैसा आया, कुछ मिक्स्ड सा आया. कुछ क्या आया, दोनों पेरेंट्स के बीच का, इन बिटवीन द टू आया. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को मेंडल ने क्या बोला, इस पूरे प्रोसेस को मेंडल ने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इतनी बात समझ आई. अब फिर से क्या हुआ, एक जगह देखी गई, एक और कॉन्सेप्ट देखा गया. क्या कॉन्सेप्ट देखा गया कि जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमंस में क्या देखा गया, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप्स देखे गए. क्या देखे गए, ब्लड ग्रुप्स देखे गए. कौन से ब्लड ग्रुप्स, ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स देखे गए. क्या देखे गए, ए बी ओ ब्लड ग्रुप देखे गए, ह्यूमन में देखा गया. तो यहाँ पर देखा गया कि ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, एक जीन होता है आई जीन. क्या होता है, ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन होता है आई जीन. लेकिन इस जीन के क्या थे, तीन अलील्स थे. क्या थे, तीन अलील्स थे. एक अलील था आई कैपिटल ए, एक अलील क्या था, आई कैपिटल ए. एक अलील था आई कैपिटल बी, और एक अलील था स्मॉल आई, राइट. ये जो कैपिटल ए था ये हमारे जो आरबीसी होते हैं, जो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक पर्टिकुलर काइंड का शुगर पॉलीमर एक्सप्रेस करके जाते हैं. क्या जाते हैं, शुगर पॉलीमर एक्सप्रेस करके जाते हैं. अगर ए वाला जीन है तो कुछ ऐसे पॉलीमर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं. अगर हमारे पास
बी का जीन है, तो हमारे पास ये हमारा आरबीसी है। और हमारे कैसे शुगर पॉलीमर्स हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर पॉलीमर्स हो रहे हैं, ठीक है। और देखा कि जो ये वाला अलील है इसमें किसी भी तरह का कोई भी शुगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब हमें क्या पता है, अब हमें ये पता है कि जो ह्यूमंस हैं, जो क्या है, ह्यूमंस हैं, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनके पास में हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी, दो कॉपी होगी। कितनी कॉपी होगी, दो कॉपी होगी, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पर, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, देखो एक तो क्या बनेगा, आई ए के साथ में खुद आई ए आ जाए, नंबर वन। आई ए के साथ में स्मॉल आई आ जाए, नंबर टू। आई ए के साथ में आई बी आ जाए, नंबर थ्री। नंबर फोर, आई बी के साथ में आई बी आ जाए। और नंबर फाइव, आई बी के साथ में स्मॉल आई आ जाए, राइट। एंड नंबर सिक्स, यहाँ पर क्या हो, दोनों ही स्मॉल आई हो जाए, दोनों ही स्मॉल आई हो जाए। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप कैसे देखा गया, ब्लड ग्रुप कैसे देखा गया, तो यहाँ पर जब दोनों ए ए थे तो हमारे पास ब्लड ग्रुप कैसा आया, ए ब्लड ग्रुप आया। कैसा आया, ए ब्लड ग्रुप आया, राइट। जब हमारे पास सिर्फ ए था और दूसरा जो कॉपी था वो स्मॉल आई था, तब भी हमारे पास क्या आया, ए ब्लड ग्रुप आया। मतलब कि जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव है और कैपिटल ए जो है, ये वाला जो अलील है, ये डोमिनेंट है। इससे ये समझ आई बात। लेकिन जब यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों साथ में आए, तब कैसा ब्लड ग्रुप मिला, ए बी ब्लड ग्रुप मिला। कैसा ब्लड ग्रुप मिला, ए बी ब्लड ग्रुप मिला। उसके बाद में जब बी दोनों साथ में आए तो यहाँ पर क्या मिला, बी ब्लड ग्रुप मिला। जब बी स्मॉल आई के अलील के साथ आया तब भी बी ब्लड ग्रुप मिला। लेकिन जब दोनों स्मॉल अलील आए तो हमारे को क्या मिला, ओ ब्लड ग्रुप मिला। क्या मिला, ओ ब्लड ग्रुप मिला। जब ए ब्लड ग्रुप था तो हमारे पास आरबीसी पे, आरबीसी पे हमारे पास में ऐसा शुगर मिला। जब हमारे को क्या मिला, बी ब्लड ग्रुप मिला, तो आरबीसी के ऊपर हमारे को क्या मिला, बी टाइप का शुगर पॉलीमर मिला। लेकिन जब हमने कहाँ देखा, जब हमने ए बी के ऊपर देखा, तो आरबीसी पर हमारे को जो शुगर पॉलीमर्स मिले वो ए के भी मिले और बी के भी मिले। मतलब कि दोनों फिनोटाइप्स, दोनों यहाँ पे जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों जीन्स के फिनोटाइप्स यहाँ पर आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। आई बात समझ में। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, कोडोमिनेंस। मतलब कि दोनों जीन्स अपने अपने प्रोटीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड वो फिनोटाइप में शो हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, इस कॉन्सेप्ट को बोला गया कोडोमिनेंस। क्या बोला गया, कि साथ साथ में दोनों हमारे जीन्स एक्सप्रेस हुए, चाहे वो ए था चाहे वो बी था, दोनों ही डोमिनेंट थे, दोनों ही क्या थे, डोमिनेंट थे। और दोनों ही साथ साथ में को एक्सप्रेशन आया। क्या आया, को एक्सप्रेशन आया, ठीक है। इसीलिए हम ह्यूमंस में देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो ये क्या है, एक ये मल्टीपल अलील का भी एग्जाम्पल है। क्या है, ये मल्टीपल अलील का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्लड ग्रुप के ही शुगर पॉलीमर के कितने अलील हो गए, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई। कितने अलील्स हो गए, कितने अलील्स हुए, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, तीन अलील्स हो गए एक ही चीज के। बात समझ आई। चलिए एक बार जो एनसीईआरटी में है उसको देख लेते हैं। आइए, तो यहां पर क्या है, मेंडल ने जब किसके साथ में, मेंडल ने जब हमारे स्नैपड्रैगन के फ्लावर के साथ में, स्नैपड्रैगन को और क्या बोला था, एंटी राइनम, और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया,
कि जब उन्होंने पेरेंट में रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया और वाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया तो उनको F1 जनरेशन में क्या मिला, पिंक फ्लावर मिला। मतलब कि पेरेंट से मिलता ही नहीं था, पेरेंट से इट वॉज नॉट रिजेंबलिंग द एनी ऑफ द पेरेंट, इट वॉज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट्स। फिर उन्होंने इसकी क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, और सेल्फिंग करके उन्होंने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आ रहा था, फिनोटिपिक रेशियो हमारा था रेड, राइट, देन दो पिंक एंड दो वाइट। फिनोटिपिक रेशियो हमारा 3:1 से क्या आ गया था, 1:2:1, जो हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, वो क्या आने लग गया, 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या था, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम हो गए। ऐसे ही हमने एक कॉन्सेप्ट और क्या पढ़ा, कोडोमिनेंस का पढ़ा, जहां पर हमने क्या देखा कि ब्लड सेल के ऊपर जो शुगर पॉलीमर है उसके लिए हमारे पास में 3 अलील्स हैं, IA, IB, and i, और इन्हीं के ही मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हम यहां देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से जहां 2 AA आ रहे हैं वहां पर ब्लड टाइप बना ए, 2 ए और बी आ रहे हैं तो ए बी बना, सिंगल ए आया विद स्मॉल आई, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेंट जीन है, मतलब कि क्या बनेगा, ए बनेगा, डोमिनेंट अलील था ए। आई ए और आई बी जब दोनों को एग्जिस्ट करे, दोनों साथ में आए तो क्या मिला, ब्लड ग्रुप ए बी मिला, क्या मिला, ब्लड ग्रुप ए बी मिला। जब बी और बी आया साथ में तो बी मिला, बी और स्मॉल आई आया तब भी बी मिला, और जब दोनों रिसेसिव अलील्स थे, दोनों क्या थे, रिसेसिव अलील्स थे, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ हुआ। सो ये किसका कॉन्सेप्ट था, कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट था। और क्या एक्सप्लेन हो रहा है इससे, मल्टीपल अलीलिज्म भी एक्सप्रेस हो रहा है, कि मतलब एक ही कैरेक्टर के हमारे को 2 या 2 से ज़्यादा भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। आई बात समझ में, इतनी बात समझ आई। तो ये क्या था, दिस वॉज इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जहां पे हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडेलियन जेनेटिक्स का 3rd लॉ हमारे काम में आएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।